त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए गणगौर पर्व का एक अलग ही महत्व है। होली पर्व के दूसरे दिन 25 अप्रैल से शुरू हुआ गणगौर पूजन 11 अप्रैल को गणगौर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे 11 अप्रैल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे शहर भर में गणगौर महोत्सव की धूमधाम देखी जा रही है। आधुनिक युग के साथ साथ गणगौर पूजन भी परंपराओं में भी बदलाव देखने को मिला। जिस तरह से शादी में सगाई, हल्दी, मेहंदी की रस्में निभाई जाती हैं, उसी तरह अब गणगौर महोत्सव के दौरान भी इन रस्मों को निभाया जाने लगा है। इसी कड़ी में सरदार शहर के बाढ़ 15 में गणगौर पूजन करने वाली नवविवाहिता युवती और महिलाओं ने गणगौर पूजन करते हुए हल्दी की रस्म को निभाया। गणगौर का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। घर के बहन बेटे आते हैं और पड़ोस की लड़के इकट्ठे होकर ही है गणगौर का त्यौहार मनाती हैं। नाचती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं और नए नए कपड़े पहनती हैं और गणगौर माता के लिए तरह तरह के कपड़ों की शॉपिंग करती हैं और गीत गाए जाते हैं और बनोरे निकाले जाते हैं। आज हमने अलग ये एक तो ये चीज़ किया है कि हमने थीम अलग रखी है। जैसे सभी लोग थीम येलो रखते हैं हल्दी में, तो हमने अलग से थीम रखी है जो आजकल चल रही है, हमने पिंक थीम रखी है और हम पिंक थीम के साथ हल्दी का प्रोग्राम बना रहे हैं। वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के